दोस्तों, आपने राजनीति और देशों की सीमाओं को तो हमेशा बदलते देखा है, पर क्या आपने कभी एक महाद्वीप को वास्तव में टूटकर अलग होते हुए देखा है? ऐसा हो सकता है और इस वक्त अफ्रीका के साथ ऐसा हो रहा है। 2005 में इस महाद्वीप के 60 किलोमीटर लंबे फैलाव में केवल 10 दिनों के अंदर एक बड़ी दरार देखी गई थी और तब से इस दरार का फैलना अब तक जारी है। आखिरकार जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक बिल्कुल नए समुद्र का जन्म होगा। ये कितनी जल्दी होगा और अफ्रीका के लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा? आप देख रहे हैं द एजुकेशन एम्पायर, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या हो अगर अफ्रीकी महाद्वीप टूटकर अलग हो जाए। हमारे ग्रह की सूरत लगातार बदलती जा रही है। इसका श्रेय जाता है टेक्टोनिक प्लेटों को, यानी टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाले हरकत को, पर यह बदलाव बहुत ही कम मौकों पर साफ नजर आता है। 2005 के बाद के सालों में अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में जमीन पर दरारें आई हैं, जिससे बाहर रहने वालों में डर पैदा हुआ है। पर ये दरारें दिखने में जितनी भी डरावनी हों, जानकारों का कहना है कि ये हमें इस बारे में काफी कुछ सिखाएंगी कि हमारी दुनिया कैसी बनी थी। क्या आपने कभी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के बारे में सुना है? यूथेपिया के लोगों ने भी नहीं सुना था, जब तक उनके पैरों के नीचे के जमीन में अचानक दरार नहीं आने लगी थी। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट पूर्व अफ्रीका में मौजूद दरार का एक सक्रिय जोन है और आपके चेहरे को देखते हुए हमें शायद आगे बढ़ने के पहले इसे और अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पृथ्वी के बाहर की कठोर परत को लिथोस्फीयर कहते हैं और ये कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट असल में ठोस पत्थरों के वो बड़े टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के सामने अलग अलग रफ्तार से हरकत करते हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से अलग दिशा में जाती हैं, तो इनकी सीमाओं वाले इलाकों में दरारें बनने लगती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में बची हुई जमीन सिकुड़ने लगती है और ये रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बना देती है। इससे दो प्लेटों के बीच नई सीमाएं भी बन सकती हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के मामले में अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट टूटकर दो छोटी प्लेट में बट रही हैं, सोमाली और न्यूबियन प्लेट। तो क्या होगा जब ये दोनों प्लेट टूटकर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगी? सबसे पहले तो ये हमारे नजरों के सामने नहीं होने वाला। सतह पर तेजी से दरारें आने के बावजूद भूविज्ञानिकों का कहना है कि ये महाद्वीप करीब 1 करोड़ साल तक पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं होने वाला। इस वक्त ये हर साल 6 से 7 मिलीमीटर की दर से फैल रही है। तो दिल थाम के मत बैठे रहिए, जैसे जैसे ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, रिफ्ट वैली और गहरी डूबती जाएगी और रेड सी से बहकर आने वाला पानी एक नया समुद्र बना देगा। अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी यूथेपिया और सोमालिया के हिस्से अलग होकर एक नए द्वीप को जन्म देंगे। तो तब तक हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? रिफ्ट के आसपास रहने वाले अफ्रीकी लोग और उथल पुथल की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी सड़कों और शहरों में दरारें आना और जिन जगहों पर अब तक ऐसा नहीं हुआ था वहाँ अचानक घाटियां बनना। पर सब कुछ बुरा नहीं है, बल्कि ज्यादातर भूवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साह में हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने से इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी कि हमारी पृथ्वी की सतह का आकार कैसा है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट कैसे आते हैं। आने वाले वक्तों में एक दिन हमारे सभी महाद्वीप पूरी तरह से अलग नजर आने लगेंगे। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहिए द एजुकेशन एम्पायर। उम्मीद है आपको द एजुकेशन एम्पायर की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।